हाय फ्रेंड्स, हाजिर हूं मैं आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर के। सर्दियों की एकदम स्पेशल बाजरे की कुकीज, जिनको बाजरे की टिक्की भी बोला जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है, और अगर आप लोगों ने अभी तक भी पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही एक्साइटिंग सरप्राइज है। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, उसका वीडियो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या उसका थंबनेल मैंने लगाया है, या फिर आप इसको जाकर सर्च भी कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का वीडियो है, आप उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा और जल्दी से अपने एंट्रेंस में रजिस्टर करवा दीजिए। तो चलिए, तीन चीजों से ही बनने वाली ये बाजरे की कुकीज को हम बनाते हैं, जिनको एक महीने के लिए हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिएगा गुड़, क्योंकि हम चीनी से नहीं बनाने वाले, इसको हम गुड़ से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरा जो 250 ml का कप है, उससे मैंने 3 कप ये गुड़ लिया है, और आप किसी भी कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं ग्राम में आपको बता देती हूँ, तो ग्राम में अगर टोटल इसको नापेंगे तो 570 ग्राम हमारा गुड़ है। तो 570 ग्राम गुड़ है, और कप से ही मैंने आपको बता दिया है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने कप्स और ग्राम्स का पूरा मेजरमेंट बताया था, कि अगर कप से आपको बताते हैं तो ग्राम्स कितना होता है, ग्राम से बताते हैं तो कप कितना होता है। तो वो आप वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करने वाले हैं पानी, तो उसी कप से नाप करके 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसका भी पूरा मेजरमेंट आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वो रहने वाला है। गर्म पानी को ऐड करने के बाद में गुड़ को हम इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसी तरीके से गुड़ को हम हल्का सा टुकड़ों में तोड़ लिया है हमने, या फिर आप ग्रेट भी कर सकते हैं, और थोड़ी देर के बाद में आप देखेंगे कि गुड़ जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। लेकिन गुड़ के अंदर ना काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है, आप देख रहे हैं काफी गंदगी गंदगी सी नजर आ रही है ऊपर से, तो उसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं, जैसे पूरी गंदगी जो भी है वो ऊपर अलग से निकल जाएगी, हमारे बिस्किट के अंदर वो नहीं जाएगी। फिर ये देखिए, हमने पूरे गुड़ को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा गुड़ का पानी तैयार हो गया है, और यहाँ हमने लिया है बाजरे का आटा। जी हाँ, जो कि क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, सर्दियों में बाजरे की कुकीज तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने उसी कप से नाप करके 4 कप इसमें बाजरे का आटा लिया है, और ग्राम्स में देखेंगे तो 570 ग्राम ही यहाँ पर हमारे बाजरे का आटा है। उसके अंदर हमने लगभग 4 बड़ी चम्मच सफेद तिल जो होते हैं ना, उनको ऐड कर दिया है। कोई भुना नहीं है, कुछ नहीं, बस नॉर्मल ऐसे ही हमने ऐड कर दिया है। पूरे 4 बड़े चम्मच में इसमें ऐड कर दूंगी धीरे धीरे करके। आटा और गुड़ की जो मात्रा है वो हमने दोनों की बराबर ली है। 570 ग्राम ही हमारा गुड़ था, 570 ग्राम ही हमारा आटा है। तो आप चाहे तो ग्राम्स में इसको आप मेजरमेंट करवा के मार्केट से लेके आ सकते हैं, या फिर आपके पास कप्स है तो आप उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए मेजरमेंट बहुत ज्यादा इजी हो गया ना, तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, हमने तिल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब हमें क्या करना है, गुड़ का पानी मिक्स करते हुए हमें इसको गूंदना है। पहले हम स्पून से हल्का सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा गर्म हो सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि गर्म पानी मिक्स करने के बाद उसको रखना है तो टाइम वेस्ट होगा, तो आप पानी और गुड़ को आपस में मिक्स करके और उसको गर्म भी कर सकते हैं, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको हमने स्पून से मिक्स कर लिया, और उसके बाद में हम इसको हाथों की सहायता से ही गूंदेंगे, क्योंकि नहीं तो इसका टेक्सचर का पता नहीं चलेगा और ये ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हमारे लिए टिक्की या बिस्किट बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, मैंने फिंगर से पूरे स्पून पे जो हमारा आटा लगा हुआ था वो निकाल लिया है, और अब फिंगर हाथों की सहायता से ही हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। एकदम ज्यादा टाइट आटा भी नहीं गूंदना, और ऐसा भी नहीं कि एकदम गीला हो, बिल्कुल मीडियम सा ही हमें आटा गूंद कर इसका तैयार करना है। जैसे हम नॉर्मली कुकीज के लिए तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आटा हमें गूंदना होगा इसका। तो देखिए, मैं इसको हाथों की सहायता से इस तरह से मिक्स करती जा रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके पूरा ही जो गुड़ का घोल है वो इसमें लग जाएगा। लगभग 1/4 कप लास्ट में बच जाता है, लेकिन वो बाद में यूज आ जाएगा। वो कैसे यूज आएगा वो मैं आके आपको वीडियो में बता दूंगी, इसी रेसिपी में वो यूज आ जाएगा। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ, एक साथ बिल्कुल ऐड नहीं करें, नहीं तो खराब हो जाएंगी हमारी कुकीज। और ये कुकीज को ना बना करके 1 महीने तक आराम से स्टोर कर लीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी गेस्ट को भी खिला सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, साथ में गर्मी भी देती है, तो सर्दियों में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ देखिए, हमारा आटा गूंद गया है, ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट हमारा आटा गूंद गया है। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा लगभग 1/4 कप जितना हमारा सिरप बच गया है। इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें बाजरे का आटा मिक्स करके इसको फिर से कुकीज बना सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि ये जो आटा है ना, जो हमने गूंदा है अभी, ये बाद में धीरे धीरे करके थोड़ा सा टाइट होने लगता है, तो हम बाद में इसको और भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, लेकिन मुझे इसका नेचुरल फ्लेवर ही पसंद है, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ 3 चीजों से ही बन जाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है।
तो देखिए इस तरह से अगर हम इसको बनाते हैं तो ये हाथों में थोड़ा चिपकता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हाथों में थोड़ा सा चिपक जाता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा हाथों में चिपकता है और एक के बाद हम दूसरी बनाएंगे तो थोड़ी सी चिपकने लग जाएगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि या तो थोड़ा सा तेल का या फिर थोड़ा सा पानी का हाथ इसमें लगा लें, उसके बाद जब हम कुकीज बनाएंगे ना तो आप इसमें कोई भी डिजाइन बना लें अच्छे से, फिर उसके बाद ये चिपकता नहीं है। तो पानी का हाथ आप लगा लें या तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऑयल का हाथ भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का मैंने एक सिंपल सा डिजाइन बनाया है। पहले तो मैं आपको और भी इसमें डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी कि अगर आप किसी गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरीके से इजिली इसको बना सकते हैं। इसमें अलग अलग शेप्स भी आप बना सकते हैं, अलग अलग डिजाइन भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल जो ट्रेडिशनली बनाया जाता है वो डिजाइन है और जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है बिल्कुल सिंपल वाला, ये हमने बना लिया है। इसके बाद मैं और भी आपको डिजाइन इसमें बना करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, एकदम सिंपल सा। बेक होने के बाद है, मतलब जब इसको फ्राई करेंगे, आप इनको बेक भी कर सकते हैं वैसे तो, पर हम लोग फ्राई करने वाले हैं। फ्राई करने के बाद में ये और भी ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं क्योंकि इसमें ऊपर से क्रैक्स आ जाते हैं, वो क्रैक से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और डिजाइन दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको गोल कर लिया है। पहले थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लेते हैं, थोड़ा चिपचिपा सा है। इस तरह से हमने इसको गोल कर लिया है और देखिए मैं आपको डिजाइन दिखाती हूँ कि इसका डिजाइन हमें कैसे बनाना है। तो देखिए इस तरीके का झारा अधिकतर सभी के घर में होता है, मोस्टली सभी के घर में ये झारा मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तेल से इसको लगाया है पिट्टी पर, तो इसको पीछे की तरफ से हम इस तरह लगाएंगे और इसको हल्का सा हम प्रेस करेंगे हाथ से और उसके बाद निकालेंगे इसको। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा डिजाइन हमारा बन गया है। वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखिए इस तरीके की आप टिक्की इसमें बना सकते हैं, बनने के बाद भी, फ्राई होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो चलिए मैं और भी आपको डिजाइन बना करके दिखा देती हूँ। तो देखिए पहले वैसे ही मैंने एक और बना लिया है पेड़ा और इसको हम अंदर की तरफ अब प्रेस करेंगे। हालांकि जो दोनों डिजाइन है थोड़े थोड़े से सेम होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस इसमें लगता है। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो बहुत थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हमको नजर आएगा क्योंकि इसमें बीच में सर्कल जैसा बनता है, इसमें नहीं बनता है, बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन ये दोनों ही डिजाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आप बैक साइड से या फिर फ्रंट साइड से दोनों से ही आप बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है अगर हम ध्यान से देखें तो, बाकी दोनों ही डिजाइन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब मैं आपको एक और डिजाइन बना करके दिखाती हूँ। तो उसी तरीके का पेड़ा हम लोगों ने फिर से बना लिया है और देखिए मैं आपको एकदम जो बिल्कुल कुकी जैसा लगेगा ना, बिल्कुल वही वाला डिजाइन आपको बता देती हूँ। ये देखिए हमने इसको साइड से कट कर लिया, बिल्कुल आप प्लेट में रख के कीजिएगा, हाथ में मत कीजिएगा, कहीं चोट ना लग जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कट किया और हमने इसको चारों तरफ से अच्छे से कट कर लिया है, है ना। एक्स्ट्रा को हम वापस से इसमें ऐड कर लेंगे, चारों तरफ से हल्का सा प्रेस कर देते हैं, एकदम इवन हो जाएगा जिससे ये। और उसके बाद में आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो अब इसमें और थोड़ा सा डिजाइन बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें लाइंस बना रहे हैं, नाइफ की बैक साइड से बना रहे हैं, फ्रंट साइड से बनाएंगे ना तो ये कट जाएगा आगे से, इसलिए बैक साइड से बना रहे हैं। ये देखिए आप चाहे तो ऐसे भी इसको रख सकते हैं, ऐसे भी बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। तो एक तो ये डिजाइन हो जाएगा, है ना। इसके अलावा मैं एक और डिजाइन आपको बताती हूँ। ये देखिए बैक साइड से इस तरीके से फिर से हम इसमें डिजाइन बनाएंगे और देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है हमारा डिजाइन। जब आप इस तरीके का डिजाइन बनाएंगे ना तो ये नहीं कोई कह सकेगा कि ये टिक्की है या कुकी नहीं है या इसको हमने फ्राई किया, बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम कुकी को डालेंगे ना ऑयल के अंदर तो ऑयल हमारा गर्म होगा उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, है ना। यानी लो मीडियम फ्लेम पर, या तो आप मीडियम फ्लेम कर दें और फिर मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करते रहें। पहले हम एक डालकर देख लेते हैं कि कहीं वो फट तो नहीं रही है। वैसे फटेगी नहीं क्योंकि हमने इसमें कोई बेकिंग सोडा पाउडर मॉइन वगैरह कुछ नहीं डाला है, एकदम सिंपल तरीके से बनाई है जो फटाफट से बन जाती है। और हाँ इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम डिजाइन वाली बनाते हैं ना तो जिस साइड हमने डिजाइन बनाया है उस साइड को हमें तेल के अंदर की तरफ करना है, इससे डिजाइन बहुत ज्यादा खूबसूरत बन के निकलता है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि हमने ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया है। अगर आपका तेल बहुत गर्म है तो एकदम लो फ्लेम कर दें, और मीडियम गर्म है तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। पहले नीचे से फ्राई कर लेते हैं उसके बाद में इनको पलट देंगे। देखिए नीचे से फ्राई हो गई है तो इनको हम पलट देते हैं और आप देख रहे डिजाइन कितना ज्यादा खूबसूरत से निकल के आ रहा है। इसी तरीके से हम बाकी की कुकीज को भी फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और बहुत ही हल्की हल्की आंच से आपको करना है, नहीं तो ये बिखर जाएंगे ऑयल में ही। और ये देखिए फ्राई होने के बाद में ये कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, जो बिल्कुल सिंपल वाली मैंने बनाई थी ना, जो मेरी फेवरेट है,
ये वो वाली है, आपको डिजाइन वाली भी दिखाती हूँ कि वो बनने के बाद में कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये देखिए जो डिजाइन हमने बनाया था, कितना प्यारा लग रहा है ये डिजाइन, आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, एकदम बिल्कुल बिस्किट जैसा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक सा डिजाइन है। और ये देखिए सारे ही डिजाइन हमारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेंगे बनने के बाद में। ये देखिए एकदम कमाल के हमारे बिस्किट बनकर तैयार है, गर्मा गर्म चाय के साथ में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, शाम के स्नैक्स के रूप में, सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, आप अपने किसी गेस्ट को भी खिला करके सरप्राइज कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा टेस्टी, सच में यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, बच्चों को बेहद बहुत ज्यादा पसंद आती है। सर्दियों का वक्त है, बना करके एक बार रख लीजिए, एक महीने तक आराम से निश्चिंत हो जाइए, शाम के स्नैक्स में आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज को पाने के लिए। बाय बाय।